हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे हम लोग हमारा जो लास्ट पोम है हमारे फर्स्ट चैप्टर की इंग्लिश की कंप्लीट करेंगे, विच इज़ फायर एंड आइस। बहुत ही आयरोनिकल पोम है, बहुत ही सिंपल एट लाइनर शॉर्ट सी पोम है। तो एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन होगा, एक वीडियो में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर्स होंगे। एंड जैसे आप लोग लाइफ में भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, लाइफ में भी हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं। सो ऐसा ही रिस्पॉन्स देते रहना, जिससे हम लोग क्या बहुत जल्दी सिलेबस फिनिश करके फिर PYQs एंड फिर MIQs पे आ सकते हैं। सो बिगनिंग विद द चैप्टर, फायर एंड आइस एक बहुत ही छोटी सी पोम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। अब तुम्हारा जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, उसमें एक एक्स्ट्रैक्ट है आपका लेटर टू गॉड वाला, एक स्टोरी है। फिर उसमें आपकी एक डस्ट ऑफ स्नो है, एक पोम है वो भी, एंड एक और पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। ये दोनों पोम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही हैं। पुरानी वाली भी हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी, ये वाली भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ठीक है। दोनों एट लाइनर शॉर्ट पोम्स हैं। एंड इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है छोटा सा कि ही वॉज बॉर्न ऑन 26th March इन द ईयर 1874 एंड इनकी मतलब डेथ हुई थी 29th January 1963 में। तो ऑलमोस्ट 89 ईयर्स तक ये अलाइव थे। एंड इस सब में इनने बहुत सारी पोम्स लिखी, बहुत सारी स्टोरीज लिखी और बहुत ना स्वीट से मैसेज कन्वे करे इनमें, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बोलते हैं। सो द फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The poem expresses the idea that the world will end someday. अब poet क्या बोल रहे हैं, वो श्योर है कि एक ना एक दिन तो ये दुनिया खत्म होनी है, either by fire or by ice. मतलब अपन अगर इसकी initial lines पढ़ेंगे तो अपन को लगेगा कि ये एक geographical, एक natural calamity से relating poem है, but ऐसा नहीं है। ये फायर एंड आइस को रिलेट करते हैं विद द ह्यूमन बिहेवियर। अब यहाँ पे एक कैच क्या है, ये इस टाइम के थे, मतलब तब तो बहुत ही पुराना टाइम था, तब फिर भी लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे। आज अगर हम अभी प्रेजेंट डेट देखें तो कोई किसी का सगा बचा ही नहीं है, ठीक है। अब ये फायर को उनने रिलेट किया है विद द वर्ड डिज़ायर, मतलब हमारे अंदर जो लालच है चीज़ों को लेके, मटीरियलिज्म को लेके, स्टेटस सिंबल को लेके, वो हम लोगों को एक ना एक दिन डुबाई देगी। एंड आइस का मतलब उनने बोला है हेट्रेड। हियर The poet has compared fire and ice with the self-destructing emotions of human beings. मतलब human beings का जो emotion है, human beings का जो nature है, वो बहुत ही ज़्यादा self-destructive है, वो बहुत ही ज़्यादा selfish होता जा रहा है। अब ये दोनों उस ज़माने वो बोला था, आज almost one century later तो और ज़्यादा लोग क्या हो गए, ऐसे हो गए हैं, तो आज तो ज़माना और भी ख़राब है। अब ये जो नेचर है ये सेल्फ़ डिस्ट्रक्टिंग है, ह्यूमन बींग्स का नेचर, मतलब ये खुद ही को ख़राब कर देगा। मतलब कोई किसी का सगा नहीं है, मतलब भाई भाई का सगा नहीं है, कोई किसी के बारे में एक अच्छा इमोशन नहीं रखता, एक अच्छी इंटेग्रिटी नहीं रखता, एक अच्छा इंटेंशन नहीं रखता, ठीक है। द पोम फायर एंड आइस beautifully describes how humans let their emotions rule over them. मतलब कैसे हम अपने emotions के साथ wash away हो जाते हैं, हम अपने emotions में, हम अपनी wants में इतना घुस चुके हैं कि हमें बाकी कोई चीज़ matter ही नहीं कर रही, तो हमें कोई और चीज़ बिल्कुल matter ही नहीं कर रही। हम work करते हैं हमारे उन desires को achieve करने के लिए, बट जितना हम उन desires के पीछे ही भागते रहते हैं, हम उनमें और ही उतना क्या हो जाते हैं, trap हो जाते हैं, उनमें और ही उतना सराउंड हो जाते हैं, ठीक है। Thus they never feel satisfied. अब जैसे अगर मेरे पास आज मर्सिडीज है, फिर मेरे को मन करेगा मेरे को वॉल्वो वाली कार चाहिए, फिर मेरे को मन करेगा मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए, उसके बाद मेरी जो वॉन्ट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, एंडलेस हो जाएंगी। आज अगर मेरे पास आईफोन मान लो 12 है, 13 है, 16 आएगा, फिर मेरे को 16 चाहिए होगा, 16 में भी फिर मेरी एक नई विश होगी कि मेरे को प्रो वाला ही चाहिए। तो मतलब मेरी जो वॉन्ट्स रहेंगी, मेरे जो डिज़ायर्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, वो एंडलेस रहेंगे। एंड जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती जाएंगी, मैं उनमें ही क्या हो जाऊँगी, ट्रैप होती जाऊँगी, एंड मैं कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रहूँगी अपनी चीज़ों के साथ। आई विल कीप रनिंग बिहाइंड दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। एंड इसी तरीके से पोएट ये हमें बताना चाह रहे हैं कि द वर्ल्ड विल एंड समडे, ठीक है। अब पोएट ना यहाँ पे बिल्कुल श्योर है, वो 100% श्योर है कि हाँ दुनिया ख़त्म तो होगी आइदर बाय फायर
or by ice. Now, in this poem, the poet expresses the two ways in which the world may end. दो तरीके हैं, या तो फायर या तो आइस. ऐसा नहीं ऑप्शन रखा कि नहीं हो, होगी तो होगी, पक्का ही होगी. सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, व्हाइल द अदर्स से इट विल एंड बाय आइस. अब फायर का मीनिंग हमने समझ लिया, फायर रिलेट कर रहा है टू द ग्रीड, टू द लस्ट, है ना, टू द सेल्फिशनेस. आइस रिलेट कर रहा है हेट्रेड से. हेट्रेड जो इंसान ही इंसान के प्रति रख रहा है, जो एक ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट रख रहा है. एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे को जो चीज़ चाहिए वो किसी के और के पास होगी तो मेरे को कहीं ना कहीं उनमें जेलेसी भी डेवलप हो जाएगी. तो यही जेलेसी, यही सब चीज़ें मेरे को क्या एक आइस वाला बिहेवियर देंगी, एक हेट्रेड डेवलप करती जाएंगी मेरे अंदर. द पोएट सेज दैट ही इज अवेयर ऑफ द फायरी डिजायर्स ऑफ द ह्यूमन इमोशन, सो ही विल फेवर दोज हु से दैट द फायर विल एंड द वर्ल्ड. पोएट अभी पहले फायर को फेवर कर रहे हैं. देन द पोएट रीथिंक्स अगेन एंड इमेजिन्स इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस. बोलते हैं इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, पूरे वर्ल्ड को अगर दो बार खत्म होना है, देन आइस हैज द कैपेबिलिटी सिमिलर टू फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. तो आइस में भी कैपेबिलिटी है. अब वो कंपेयर करते हैं फायर एंड आइस विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ह्यूमन बींग्स का. ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है उससे कंपेयर करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट. देयर इज नो एंड टू सच इमोशंस. ये अपन ने समझ लिया, अपन ने देख लिया. द मोर ह्यूमंस ट्राई टू फुलफिल them, the more rapidly these emotions will spread, similar to fire. These feelings often engulf human life. मतलब ये क्या करते हैं, human life को engulf कर लेते हैं. ये एक human being है, यहाँ से ये driven है कि मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए. एक time इनने एक चीज़ ले ली, फिर इसको लगेगा मेरे को इतना gold चाहिए, मेरे को इतनी ये चाहिए, इतना मेरे को materialism ये चाहिए, एक मेरे को दूसरा शो ऑफ करना. मतलब ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी लोग लेते हैं, बट कहीं ना कहीं लोग तो उसको फिर अपने अच्छे स्टेटस सिंबल एंड अच्छी सोसाइटी में एक रेपुटेशन बनाने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं. एंड वही चीज़ यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि इंसान इन सब चीज़ों में क्या हो जाएगा, इनगल्फ्ड होके रह जाएगा. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट पीपल become egoistic, selfish and cruel. On the other hand, the poet describes ice as rigid, rough and hateful side of the human emotions. People become harsh and do not care about the emotions and feeling of others. तो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत हार्श हो जाते हैं, एंड उनको दूसरे के इमोशंस के बारे में कोई भी कदर नहीं रहती, कोई भी ना एक कंसर्न नहीं रहता यार कि मेरे में भी इस एक्शन से सामने वाला हर्ट होगा या मे बी मेरे इस एक्शन से उसको क्या उसको बुरा लगेगा. तो लोग क्या होते हैं, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है यहाँ पे. लोग बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेल्फिश हो गए हैं. दे आर इनडिफरेंट टू अदर्स हैप्पीनेस एंड सॉरो. बहुत ही ज़्यादा हम दूर हैं, दूसरे को बुरा लग रहा है, दूसरे को अच्छा लग रहा है, हम उससे दूर हैं. हमें लग रहा है कि उसको भले बुरा लगे तो लगे, मेरे को अपनी चीज़ करनी है, मेरे को अपना काम करना है. दस द पोएट से दैट सिंस आइस एंड फायर बोथ आर ग्रोइंग एट सच रैपिड स्पीड, द वर्ल्ड विल एंड सून. मतलब यहाँ पे पोएट हमें क्या दे रहे हैं, एक और श्योरिटी दे रहे हैं, भले बाय फायर भले बाय आइस वर्ल्ड एंड होगा ही होगा. द पोएम कन्वेज अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट ह्यूमन इमोशंस रूल ओवर देम. इफ ह्यूमंस डू नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस दे विल रूइन देयर लाइफ एंड ब्रिंग देम टू द वर्ज ऑफ केओस. तो अगर हमने हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं किए, कौन से इमोशंस, हेट्रेड वाले, जेलेसी वाले, रिजिडिटी वाले, हम क्या करेंगे, हम वर्ल्ड को एक हॉरिबल प्लेस बना देंगे रहने के लिए, एकदम केओटिक प्लेस हो जाएगी रहने के लिए. एंड देन द वर्ल्ड विल समडे कम टू द एंड. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये एक्सप्लेनेशन कवर हुआ. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग.